चुनाव होने जा रहे हैं, तैयारियां जोरों पे लगी है। बीजेपी की 9 सीटों पे दावा है कि वो 9 की 9 सीटें निकालने जा रही है। उपचुनाव को किस तरह से देखती है सपा की, क्या तैयारी है? मैं समझती हूँ बीजेपी का दावा तो ये भी था कि 80 में से 80 सीट निकालेंगे, तो जिस तरह पहले इनके दावे फेल हुए हैं, मैं समझती हूँ उपचुनावों में भी ये सारे दावे फेल ही साबित होंगे। अच्छा, एक योगी जी की 9 सीट में प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है, वहीं योगी की दिए गए बयान जिसमें बोल रहे हैं वो कटोगे तो कटोगे महाराष्ट्र तक गूंज रही है, महाराष्ट्र में पोस्टर लग रहे हैं उनको लेके, क्या लगता है कितना प्रभाव डालेंगे चुनाव में? मैं समझती हूँ उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का, जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे, लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। आज जो हमारे उत्तर प्रदेश की बेटियां, बहुएं, बहनें जो हैं वो चाहती है कि बेटियों को सुरक्षा मिले, और हमारे जो किसान हैं वो चाहते हैं कि उनको खाद मिले, सस्ती बिजली मिले। उन पे बातों से कोई फर्क होने वाला नहीं है, और जहाँ तक कि हमारी जो रणनीति रही है चुनाव में, उसी रणनीति के तहत हम सब मिलकर चुनाव एक साथ लड़ेंगे, और सभी समाज के लोग आप देखेंगे कि किस तरह साथ आएंगे और इस सरकार को, जो अपने आंखों में पट्टी डाल के बैठी हुई है, जो नहीं समझ पा रही है कि धरातल में क्या स्थिति है लोगों की, क्या स्वास्थ्य सेवाएं किस तरह हैं, शिक्षा का किस तरह का दौर चल रहा है, इन सभी बातों का आकलन करते हुए लोग इस बार वोट डालेंगे। तो करेल विधानसभा सीट के बारे में बात करें, करेल विधानसभा सीट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने छोड़ा और तेज प्रताप जो दिया गया है, वहीं नेताजी के बाद तेज प्रताप को सीट दी थी उनको विरासत के तौर पर, क्या तेज प्रताप यादव बाई इलेक्शन के लिए ही है नेता की डायरेक्ट इलेक्शन भी कभी लड़ेंगे? बात इस बात की नहीं है, ये तो समय ही बताता है कि कौन कहाँ चुनाव लड़ता है, किन परिस्थितियों में चुनाव होते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि करेल विधानसभा सीट हम ज्यादा से ज्यादा मतों से जीत के आए। भाजपा अभी तक प्रत्याशी नहीं दे पाई और जीत का दावा नहीं, अच्छा है वो समझ के और आकलन करके और परिस्थितियों को देखते हुए अपने प्रत्याशी देना चाहती है, तो सभी पार्टी करती है, ये प्रक्रिया रहती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैडम, कि चुनाव में देखा जा रहा, पिछले 2 चुनावों को देखा गया है कि एजेंडा कहीं नहीं मिल रहा, विकास की बात नहीं हो रही है, धर्मों के आधार पे चुनाव के, आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि जो अयोध्या का परिणाम रहा है तो पूरे देश में जिस तरह का मैसेज गया है कि लोग चाहते हैं कि परिवार में खुशहाली आए, लोग चाहते हैं कि परिवार में बच्चों को नौकरियां मिले, लोग चाहते हैं कि शिक्षा और साथ में स्वास्थ्य जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो सस्ती हो, जिससे कि सही इलाज, सही शिक्षा पाकर लोगों का, बच्चों का भविष्य आगे बढ़े। तो मैं समझती हूँ इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और आज के जो मतदाता हैं जागरूक हैं, सब बात समझ रहे हैं। खास तौर से मुख्यमंत्री जैसे लोगों की, कटोगे बटोगे ये देश के लोगों को इस तरह का बयान देना, किनके बीच में कटोगे बटोगे की बात करते हैं? हमारा निवेदन है कि सभी समाज के लोग एक साथ आए, और ऐसे लोग और ऐसी सरकार और ऐसी सोच जो हमेशा बांटने का काम करती है, जो देश को बांटने का काम कर रही है, जिनकी जो सोच है वो नकारात्मक रही है और रहेगी, क्योंकि जो मानसिकता है, जिस तरह की बयानबाजी देते हैं तो मानसिकता का पता चलता है लोगों की, और हमारे कोई भी किसी से भी हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें समझना होगा कि इंसान की क्या मानसिकता है, क्योंकि जैसी मंशा होती है वैसी वह कार्य करते हैं।